प्रभु के भक्त से निवेदन है कि प्रभु की आरती होने वाली है, 5 मिनट में आरती करा के आरती। बाबा आरती करा दो सा, आज आरती करा बाबा ऊपर से निकल लो आरती ना बटो ये तरह करो पता बोलो राम चा पीर की जय हो, अजमल के अवतार की जय हो। ये भंडारा हमारे गजेंद्र जी और उनकी टीम और उनका परिवार लगाता है। मैं इंदौर से आता हूँ, बालोतरा जोधपुर का निवासी हूँ और ये 8-10 साल से भंडारा लग रहा है। वैसे तो 15 साल से लग रहा है पर 8-10 साल से मैं इनमें जुड़ा हूँ और मेरा पूरा परिवार इंदौर से आके यहाँ आप लोगों की सेवा करते हैं। वाटरप्रूफ टेंट लगाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदल यात्रियों को सुविधा मिले, हमारी ये भावना रहती है। बरसात में हम रोकते हैं, दवाइयों का भी यहाँ इंतजाम है और 4 बजे सुबह से 7 बजे तक हमारे यहाँ पुआ चाय नाश्ता बिस्किट और ये दिया जाता है यात्रियों को। सबको रात को रोकते हैं, जिसको दवाई की जरूरत होती है उसको दवाई देते हैं और सबसे आग्रह करते हैं कि ये बरसात का टाइम है, आप आगे यात्रा न करें और यहीं पे हमारे यहाँ हॉल्ट करें। उसके बाद में 4 बजे वो अपनी भगवान रामदेव जी से आज्ञा लेके चाय नाश्ता करके रवाना होते हैं। 4 से 7 बजे सुबह तक नाश्ता चलता है, उसके बाद में पूरी भोजन प्रसादी 7 बजे से शुरू हो जाती है, जो रात को 12-1 बजे भी अगर कोई यात्री आता है तो उसको भी भोजन दिया जाता है। यह हमारे कैंप में बाबा की दया इतनी है कि कोई भी भूखा नहीं सोता है और ये आप सब यात्रियों का सहयोग है कि हमको बहुत सहयोग देते हैं। और हमारी 25 लोगों की टीम है, उसमें सब कार्यकर्ता और गजेंद्र जी और प्रकाश जी और सब पूरी सेवा देते हैं, निस्वार्थ भाव से देते हैं और बाबा हमारी खूब भली करते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि बाबा हमको साल भर खूब खुशी और परिवार और कमाई देता है जो हमसे। ये रसोड़ा जोधपुर तिवरी से 4 किलोमीटर पे है, यहाँ से जोधपुर 45 किलोमीटर है, यहाँ से आगे रामदेवरा 140 किलोमीटर है और हम यात्रियों को यहाँ हर तरह की सुविधा देते हैं और एकदम उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा परिवार है। अब ये मैं नहीं कहूँगा, अब जो यात्रियों की टीम आई है आप उनसे अपने विचार लो और हम उनसे सुझाव भी चाहते हैं, उनकी शिकायत भी हम सुनेंगे। अभी एक व्यक्ति हमारे पास आया कि हमारा यहाँ से मोबाइल चोरी हो गया, हमारे यहाँ से बैग चोरी हो गया और 7,000 रुपये उसमें थे। तो हमने रात को 9-10 बजे ही अनाउंस कर दिया था कि अपना अपना मोबाइल, अपने पैसे, अपना बैग या तो सुरक्षित रखें नहीं तो हमारे पास में कैश गिन के जमा करा दें और मोबाइल हमारे पास जमा करा दें, कैश भी अगर आपके पास है तो हमारे पास से जमा करा के कैश रसीद ले सकते हैं और सुबह उतने ही रुपए वापस ले सकते हैं। जय बाबा रे, आप सबकी यात्रा शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमको बाबा की तरफ से आप आशीर्वाद देते रहे कि हम ये भंडारे की सेवा करते